knowing without seeing is at the heart of chemistry hello everyone welcome to the mchem how are you i hope you are, are must be studying very well so in a previous video we were discussed the rs nomenclature in different compound okay like aline norbornene and sheer form of cyclohexane okay

इस इन सभी कंपाउंड को मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में डिटेल में बताया है वो भी मॉडल के थ्रू ओके तो अगर आपको स्पाइरो का स्ट्रक्चर देखना है या फिर उसका थ्री अरेंजमेंट देखना है तो आप साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर देख सकते हो ओके यहां हम लो बांकी बांकी लो लोग सिर्फ आर एस नमन करेंगे बाकी बाकी उसका स्ट्रक्चर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में स्टडी कर लिया है ओके सो स्पाइरो होगा कोई भी दो रिंग के बीच में अगर एक ही एडजिशन कार्बन एटम है मतलब जो दो रिंग होगा वो क्या होगा एक ही एडजिशन कार्बन से ज्वाइन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे अब किस तरह का स्पाइरो जैसे मैं ये फोर मेंबर का दो रिंग बना रहा हूं ओके अब यहां पर क्या ये क्या है हमारा कार्बन एटम है राइट सो so, ये जो दोनों रिंग है इनका क्या है एक ही एडजस्टेंट एटम जो है वो कार्बन एटम है ना दोनों जो है दोनों रिंग आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं किससे एक ही एडजस्टेंट एटम से हम लोग इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे स्पाइरो अब दो रिंग कोई भी दो रिंग हो सकता है राइट जैसे आप थ्री मेंबर ले लो उसके बाद सिक्स मेंबर का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो कितना भी रिंग हो सकता है ओके फाइव मेंबर से भी आप बना सकते हो ओके okay. इस तरह के सभी कंपाउंड क्या होंगे स्पायरो कंपाउंड होंगे अब तो पता चल गया कि ये स्पायरो कंपाउंड होंगे अब हम इसमें आर एस नॉर्मल किस तरह से करेंगे चलिए उसे समझते हैं ओके तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम लोगों ने अलीन में आर एस नॉर्मल किया था सेम उसी तरह से हम लोग को आर एस नॉर्मल किस में करना है स्पायरो कंपाउंड में करना है जैसे अलीन में कम्युलेटेड डबल बॉन्ड होता था ना <coughs> उसी तरह यहां पर भी स्पाइरो में क्या हो रहा है देखिए कम्यूलेटर जो है वो रिंग का पोजीशन हो रहा है ओके जैसे मैंने यहां पर सी एस थ्री लिख दिया ले लिया यहां पर क्या ले लिया ओ एच ले लिया राइट यहां पर बी आर और यहां पर हाइड्रोजन इस तरह का हमने कंपाउंड ले लिया ये क्या है हमारा स्पाइरो तो जैसे अलीन में क्या था कम्युलेटेड डबल था डबल बाउंड था इसमें भी क्या है कम्युलेटेड रिंग सिस्टम है ओके यहां पर अगर रिंग को हटा के मैं डबल बाउंड कर दू तो ये क्या होगा अलीन की तरह ही हो जाएगा ना जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम किसकी तरह होगा अलिन की तरह ही होगा तो हमें यहाँ पर जो नॉमन क्लेचर करना है आर एस नॉमन क्लेक्चर वो किसके तरह करना है करना है अलीन की तरह ही करना है और वो भी किधर से कौन से साइड से करना है सॉरी तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने दूसरा बना दिया है स्ट्रक्चर सही बनाया है पोजिशन को दूसरा दिखा दिया ओके तो जो प्लेन के साइड से होगा वहां से क्या करना है हमें आर एस नॉमन क्लचर करना है ओके ये प्लेन के साइड से हमें क्या करना है आर एस नॉमन क्लेक्चर करना है और थर्ड और फोर्थ पीयोरिटी हमेशा किसको देना है अब और बिलो को देना है तो जैसे अलियन में किया था सेम स्पायरो में करेंगे अब पीरियोरिटी सीक्वेंस हमें क्या करना है डालना है तो फर्स्ट ब्रोमिर को देंगे सेकेंड हाइड्रोजन को इसमें थर्ड ओलकोहल को देंगे और फोर्थ सी को अब क्या करना है हमें मूवमेंट देखना है क्लॉक वाइस है कि एंटी क्लॉक वाइस है तो मूवमेंट देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड मूवमेंट क्या है हमारा एंटी क्लॉक वाइस है ओके राइट right, अब एंटी क्लॉक वाइस में फोर्थ पीरियोरिटी कहां है फोर्थ ग्रुप द्लेन है द प्लेन है राइट right, अब फोर्थ पीरियोरिटी जब अगर एंटी क्लॉक वाइस फोर्थ पीरियोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन हो तो तो क्या हो जाएगा हमारा आर कॉन्फिगुरेशन हो जाएगा अगर क्लॉक अगर बिलो द प्लेन होता तो क्या होता हमारा एस होता लेकिन अबो द प्लेन हो गया तो क्या हो गया हमारा आर कॉन्फिगुरेशन राइट right? सो so, इस तरह के स्पायरो कंपाउंड में अगर आपको आर एस करना है तो सेम किसके तरह करना है अलिन की तरह करना है ओके इसी तरह से आप सिक्स मेंबर भी रिंग का यूज कर सकते हो हो गया क्या हो गया हमारा सिक्स मेंबर हो गया राइट right, इसमें क्या करना है आपको पीरियोरिटी जो मैंने सीआईपी रूल बना बताया था आप लोग को पीरियोरिटी सीक्वेंस रूल राइट right? उसे ही आपको क्या करना है याद ध्यान में रखना है ओके okay? राइट right, इस तरह से तो ये भी क्या है हमारा एक तरह से स्पायरो कंपाउंड है अब इसमें भी आपको आर एस स्पायरोक्लेचर करना है तो सेम किसके द्वारा करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने इसमें किया उसी तरह तरह से देखिए अगर अगर एग्जामिनर एग्जाम में इस का आपको क्वेश्चन देता है तो क्या करेगा अब और बिलो उसने मेंशन कर रखा होगा राइट तो देखिए ये क्या है इवन डबल बॉन्ड है ना ये क्या इवन डबल बॉन्ड है जैसे अलीन में होता था तो क्या हम ऑट डबल बॉन्ड के लिए भी इसी तरह से करेंगे क्या आर एस नोमक्लेचर राइट right, जैसे यह क्या हो गया हमारा ऑर्ड डबल बॉन्ड हो गया ओके okay. ये क्या हो गया हमारा आट ऑट डबल बॉन्ड हो गया राइट right? तो ऑर्ट डबल बॉन्ड में क्या होता है जो सभी एटम जो होंगे जैसे जैसे जो एस पी होता है हम लोगों ने किसमें पढ़ा अलीन में पढ़ा था इसके पहले है ना तो उसी तरह से इसमें भी क्या होता है जो बी और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये एल्कोहल ग्रुप क्या होता है एक ही प्लेन में होते हैं राइट तो इसमें हम लोग आर एस नामचर असाइन नहीं करेंगे अगर डबल बॉन्ड रिंग दिया है तो ओके अगर इवन रिंग दिया है तो उसमें हम लोग आर एस नोम किसके किसके अकॉर्डिंग करेंगे जैसे अलीन में किया था सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे आर एस नॉमलक्लचर अलीन में भी हम लोग अगर इवन आउट डबल बॉन्ड आ, आ जाता था, था अलीन में तो उसमें भी हम लोग क्या करते थे आर एस असाइन नहीं करते थे राइट है ना तो अलिन में भी हम लोग क्या करते थे इस तरह से इस तरह का अगर और डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें नहीं करते थे अलिन के लिए था के लिए कि उसमें क्या होना चाहिए इवन डबल बॉन्ड होना चाहिए वैसे ही स्पाइरो में क्या होना चाहिए इवन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए ओके okay? इवन कम्युलेटेड रिंग जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए राइट right? So, इस तरह से आप कोई भी अगर कोई भी किसी भी तरह का सिक्स मेंबर सिक्स मेंबर का हो जाए फाइव मेंबर फाइव में फाइव मेंबर का हो जाए अगर आपको स्पायरो कंपाउंड दिखता है तो सिंपल इसी तरह से क्या करना है आपको आर एस क्लेचर करना है राइट अब देखिए अगर मैं इसी में देखिए क्या है हमारा सिक्स मेंबर है ओके राइट अब मैंने क्या किया यहां बस जो है

उसी तरह से आपको क्या करना है आर एस करना है ओके okay? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना तो इसमें आर एस करने के लिए क्या करना पड़ेगा फर्स्ट पीरियोरिटी किसको देंगे इसको देंगे फर्स्ट पीरियोरिटी इसके बाद यहाँ पास सी एस टू यहाँ पास सी एस टू यहाँ पास सी एस टू और यहाँ पास कार्बन के साथ तीन कार्बन अटैच है ओके okay? तो सेकंड पीरियोरिटी इसको दे देंगे थर्ड पेरियोरिटी ये वाला फोर्थ पेरियोरिटी ये वाला अब मूवमेंट देखना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मूवमेंट क्या है हमारा एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइस में फोर्थ प्रियोरिटी कहाँ है बिलो द प्लेन तो देखिए अगर क्लॉकवाइस होता है और फोर्थ पीरिटी बिलो द प्लेन होता है तो क्या होता है हमारा आर कॉन्फिग्रेशन तो एंटी क्लॉक में फोर्थ पीरियोरिटी अगर बिलो द प्लेन है तो क्या हो जाएगा हमारा एस कॉन्फिग्रेशन राइट सो इस तरह से क्या करना है आपको देख लेना है कि जो ये लाइन में जो है वो दोनों सब ट्रिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ओके okay? सिंपल सा आपको आर एस है राइट right? अब कितना भी रेम कितना भी मेंबर रेंग दी उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है ओके okay? सो so ये हो गया हमारा आर एस स्पायरो क्लेचर इन चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं फिनाइल में किस तरह से आर एस क्लेचर करेंगे ओके okay? देखिए आरएस नॉमोट क्लेचर का क्राइटेरिया क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग तरीके से है लेकिन जो हम लोगों ने सी आई पी रूल अंडरस्टैंड किया है है ना उसके अकॉर्डिंग ही अब हमें हर कंपाउंड में उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है आर एस नोमचर करना है राइट आर एस नोमचर इन बाईफिनाइल ओके okay? अब बाईफिनाइल में अगर हमें आर एस नोमक्लेचर करना है तो किस तरह से करेंगे तो पहले तो सबसे पहले आपको बाईफिनाइल का स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए ना बाईफ मतलब क्या होगा उसमें दो रिंग प्रेजेंट होगा राइट ये सॉलिड लाइन से दिखा रहा हूं इसका मतलब क्या है अब प्लेन है राइट सॉलिड लाइन का मतलब ओके okay, और सभी पोजिशन में क्या है हाइड्रोजन जो है हर एक पोजिशन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है ओके <coughs> ये okay, क्या हो गया हमारा बाईफिनेल हो गया तो देखिए बाइफिनेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये ये देखिए क्या है हमारा बाईफ का स्ट्रक्चर है दोनों रिंग क्या होंगे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे अब परपेंडिकुलर कैसे होंगे देखिए अगर ये एक ये मेरा ये मेरा क्या है लेफ्ट हैंड है अगर ये एक बेन्जीन रिंग है और राइट वाला मेरा क्या राइट हैंड वाला एक रिंग है तो दोनों क्या होंगे इस तरह से होंगे परपेंडिकुलर होंगे पेर पैरल नहीं होंगे राइट right? दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे अब कौन से कंडीशन में परपेंडिकुलर होंगे और कौन से कंडीशन में पैरेलल होंगे तो उसको समझते हैं राइट जैसे देखिए इन इन चारों पोजिशन पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो देखिए यहां पर क्या है इन दोनों के बीच में क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड है ओके यहाँ ये क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड है राइट right, अब स्ट्रक्चर में तो सभी लोग जानते ही होंगे सिंगल बॉन्ड के राउंड हम लोग क्या कर सकते हैं रोटेशन कर सकते हैं तो ये जो बाइफिनेल कंपाउंड है वो क्या करता है सिंगल बॉन्ड के राउंड क्या करता है रोटेट होते रहता है राइट इस तरह से देखिए ये रोटेशन हो रहा है ना तो हम लोग जब हाइड्रोजन है तो ये नहीं बता सकते हैं कि रिंग जो है आपस में परपेंडिकुलर है दोनों रिंग की पैरलर है वो क्या होगा परपेंडिकुलर भी होगा और पैरलर भी होगा राइट right, दोनों रिंग एक दूसरे के क्योंकि क्या हो रहा है इसमें रोटेशन होते जा रहा है राइट right, क्यों रोटेशन हो रहा है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन दोनों के बीच क्या हो रहा है रिपल्सन हो रहा है, है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है इसमें रोटेशन हो रहा है ओके okay? ये तो समझ गए अगर हाइड्रोजन है तब की बात है लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन की जगह पे क्या करें करे? कोई बल्कि ग्रुप अटैच कर दे राइट जैसे हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग यहाँ पर सीएस थ्री ग्रुप अटैच कर देते हैं ये क्या है हमारा येलो वाला आइटम क्या है सी एस थ्री ग्रुप है इससे मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना देता हूं तो बल्की ग्रुप के आ जाने से जो रोटेशन होगा वो हो क्या होगा हमारा रुक जाएगा यहां पर मैंने क्या कर दिया सीएस थ्री अटैच कर दिया कोई भी एक पोजीशन में ना ये फोर तरह का फोर फोर डिफरेंट पोजीशन है राइट right, ये हो गया फर्स्ट ये हो गया सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ राइट right, तो कोई भी इन चारों पोजीशन में कोई भी अगर एक पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ जाए तो जो रोटेशन हो रहा था वो क्या होगा रुक जाएगा राइट right? अब जो रोटेशन हो रहा था जब हाइड्रोजन था तो यहाँ पास तो, तो क्या हो रहा था वो कंटिन्यू रोटेट हो रहा था दोनों आपस में लेकिन अब देखिए ये जो हमारा क्या है ये क्या है बल्कि ग्रुप है सी एस थ्री ग्रुप है अब जब ये रोटेट होने आएगा इस तरीके से हाइड्रोजन और ये बल्कि ग्रुप में क्या होगा बहुत ही ज्यादा रिपल्सन होगा जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन इसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा राइट और जब इधर से अगर रोटेशन होने का ट्राई करेगा तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिपल्सन करेगा तो यहां पर भी क्या करेगा इसको आगे बढ़ने नहीं देगा तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ही प्रेजेंट रहेगा राइट तो मतलब दोनों दिन क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो अब इसी को मैंने दिखाने के लिए यहां पर क्या किया है इसको सॉलिड लाइन से देखिए ये वाला क्या है हमारा डाउन साइड में है ना ये पोजीशन देखिए इसमें देखिए ये वाला ये वाला रिंग में सी ए स्त्री कहाँ है तो मैं क्या करूंगा इसको लेकिन सो, सो तो नहीं कर सकते सो कर दूंगा। okay? तो ये क्या होना चाहिए खुद का आपका अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर सॉलिड से शो हुआ है मतलब वो क्या है साइड में है और डॉटेड हुआ है तो वो क्या है डाउन साइड में है और इस रिंग का बात करें तो इसमें क्या करेंगे ये देखिए ये क्या ये वाला एरिया ये वाला एरिया कहाँ है आपके

मैं बता रहा हूँ जो हमारा आर एस कर... नॉमन कल्चर के लिए कॉन्सेप्ट होगा उसको बस समझेंगे ओके राइट तो अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें आर एस किस तरह से करना है okay, कोई भी वाइफ ने स्ट्रक्चर ले लो अब आरएस के लिए क्राइटेरिया क्या होता है फोर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए ना उसी तरह से बायोफिनल में क्या होगा फोर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया मैंने अब यहाँ पर एल्कोहल कर लो राइट यहाँ पर सी एस थ्री ग्रुप कर लो और यहाँ पास भी क्या कर लो हाइड्रोजन रख लो ये हो गया हमारा फोर डिफरेंट ग्रुप हो ना मतलब इन दोनों पोजिशन में जैसे हम लोगों ने अलीन में स्टडी किया था ना एक रिंग में क्या होना चाहिए दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए दो सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए अगर दोनों सेम ग्रुप हो जाएगा तो हम लोग पीरियोडिक सीक्वेंस कैसे लगाएंगे नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पीरियर सिक्वेंस लगा पाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में किसको देंगे आप लोग फर्स्ट पीरियरिटी वो तो दोनों को हमको सेम पीरियोरिटी ही देना पड़ेगा तो इसलिए दोनों रिंग में जो पीरियोरिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए अब जैसे मैं इसे क्या कर दे दे रहा हूं कोई भी एक रिंग को मैंने सॉलिड से शो कर दिया राइट ये क्या हो गया सॉलिड लेंसेस शो हो गया अब सॉलिड लेंसेज हो, हो गया मतलब इसका मतलब क्या है जो ये वाला रिंग है वो क्या है इस तरह से है और ये वाला रिंग क्या है इस तरह से मतलब दोनों रिंग क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ओके तो अब हमें तो हम से सीक्वेंस से कैसे देना है जैसा सी आईपी रूल में है हम लोगों ने पीरियोडिक सीक्वेंस दिया उसी तरह से देना है तो फर्स्ट पीरियोरिटी ऑक्सीजन को सेकेंड पीरियोरिटी हाइड्रोजन को थर्ड पीरियोरिटी को फोर्थ पीरियोरिटी फोर्थ पीरियोटिक किसको देंगे हाइड्रोजन को राइट ये हो गया पीरियोडिक सिक्वेंस अब मूवमेंट देखने clock -wise, clock -wise की क्लॉक तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड मूवमेंट क्या है क्लॉक वाइस है राइट ओके मूवमेंट क्या है हमारा क्लॉक वाइस है अब मूवमेंट अगर क्लॉक वाइस और फोर्थ पीरियोरिटी देखिए इसको मैंने क्या किया है सॉलिड लेंसेस को किया है सॉलिड गया है मतलब ये है अबोव द प्लेन में तो है में. तो फोर्थ पेजोरिटी कहां है अबोव द प्लेन में है तो क्लॉक वाइज में अगर फोर्थ पेजोरिटी अबव होता है तो हमारा क्या होता है एस कॉन्फिग्रेशन होता है राइट right, इस तरह से करना है ओके okay? यहां पर हम लोग आर एस नॉर्मल नहीं कर सकते आर ओके इस तरह के क्राइटेरिया में हम लोग आर नहीं असाइन कर सकते क्यों क्योंकि दोनों ग्रुप क्या हो गया सेम हुआ है ओके राइट तो एग्जामिनर सॉलिड लाइन आपको मेंशन किया रहेगा ओके ऐसा नहीं कि वो दोनों रिंग को इस तरह से बना के दे देगा है ना वो सॉलिड लाइन से मेंशन किया ही रहेगा इस तरीके से राइट right? कोई भी कोई भी रिंग में या तो इस रिंग में या फिर उस रिंग में सॉलिड लाइन मेंशन किया रहेगा वो जिससे आपको और नहीं भी किया रहेगा तो आपको क्या करना क्या समझना है दोनों को दोनों रिंग को आपस में क्या करना है परपेंडिकुलर ही समझना है राइट right? अब बाईफ में आपको कैसा भी कैसा भी दिया रहे कोई भी सब दिया रहे सिंपल आपको सीआईपी रूल बताना है देखिए सीआईपी रूल मैंने सब आपको बता दिया प्रीवियस लेक्चर में इसीलिए मैं यहाँ पर सबको सब नहीं बता रहा हूँ वो आपको क्या करना है माइंड में उसको ऐसा याद रखो कि वो माइंड में हमेशा क्या रहे फिट हो जाए है ना कि कभी भी आपको आर एस नोम क्लेचर करने को आए तो आप आपको फिर से आपको नोट्स को देखना ना पड़े राइट right? सो so इस तरह से आपको बाईफ में आर एस नोम क्लेचर करना है ओके okay? अब चलिए हम लोग स्टडी करते हैं कंपाउंड में हंसना कंपाउंड होता है उसमें किस तरीके से उसमें हम लोग एस नोमक्लेचर करेंगे राइट right, चलिए उसको समझते हैं तो ये तो सब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अब आप स्ट्रक्चर तो आइडेंटिफाई कर लिए कि बाइफिनाइल है और समझ भी गया कि आर एस कैसे करना है ओके okay? राइट right, सब एक कन्फ्यूजन आपको ये आ सकता है कि जैसे अभी हम लोगों ने क्या हॉरिजॉन्टल रख के क्या किया है बायफिनाइल को स्टडी किया है ना लेकिन यहीं पर वर्टिकल दे दे तो, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है ओके okay? जैसे इस तरह का बाइक पेनल बना के दे है दे। ना जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता है सब पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे राइट ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बी आर सी एच थ्री ओ एच ओके इसमें भी क्या करो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ बी आर यहाँ सी एच थ्री और यहाँ पास ओ OH एच कर दो राइट right? तो जो इस तरह से हम लोगों ने आर एस नो किया प्रियोरिटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है ना राइट right? अब इसमें भी तो किसी एक को क्या करेगा सॉलिड लाइन से मेंशन किया रहेगा इसमें भी क्या करेगा कोई भी एक साइड को सॉलिड लाइन से मेंशन किया रहेगा राइट right? तो उससे तो आप लोग आइडेंटिफाई कर ही लोगे ना ये सॉलिड लाइन से मतलब मेंशन किया है मतलब ये क्या है इस तरीके से है तो ये वाला रिंग ये वाला रिंग क्या है इस तरीके से है अप वाला रिंग ये वाला रिंग क्या होगा ऐसे होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो दोनों में आरक्षण सेम करना है है ना किसी भी तरह का डिफरेंस आपको नहीं देना है ये वाला सॉलिड लाइन हो गया फर्स्ट पीरियल ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ ये अब फोर्थ तो कहा है सॉलिड लाइन से ले मतलब अबव द प्लेन है वैसे इसी में भी क्या करना है फर्स्ट सेकेंड

अब चलिए हम लोग हंसा कंपाउंड में समझते हैं किस तरह से उसमें आर एस नॉम क्लेचर करेंगे <coughs> हंसा कंपाउंड राइट right. तो so, अब क्या होता है उसको पहले आपको मॉडल के थ्रू समझा देता हूँ so, क्या होगा हमारा कंपाउंड होगा जो पर्पल कलर के आइटम दिख है हमारा ऑक्सीजन right? एटम, है है? एटम है राइट right? ये ब्लैक वाला क्या है कार्बन एटम है ओके okay. सो so, इस तरह से इसमें जो रिंग है वो क्या होगा जो ये एटम होंगे वो क्या होंगे आठ या उससे ज्यादा होंगे जिसकी वजह से क्या होता है ये हैंडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको अंसा कंपाउंड बोलते हैं तो चलिए अब इसको हम लोग टू में समझते हैं इसको टूडी में स्ट्रक्चर कैसा होगा राइट right, सो so, ये क्या है हमारा बेंजीन रिंग है इस तरह पे से। ये क्या हो गया बेन्जिन यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ ऑक्सीजन है अब इससे जुड़ा रहेगा क्या रहेगा रहे कार्बन एटम अटैच रहेगा ओके okay, सी एच टू कर दो यहाँ पर एन कर दो एन इक्ट एन एच इक्वल टू होगा एट नाइन टेन इलेवन डेड राइट आठ या उससे ज्यादा जो है यहाँ पर जो है हैंडल कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे राइट यहाँ पर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की जगह पे सी एस थ्री या फिर सी एस टू भी ले सकते हैं ओके ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन भी हो राइट right, अब देखिए इसको मैं सॉलिड लाइन से शो कर रहा हूँ मतलब इसको आपको खुद का अंडरस्टूड होना चाहिए क्या है आपके फ्रंट में है मतलब आपके सामने है ओके okay? अब यहीं पर हम लोग सीएच टू भी ले सकते हैं ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बस लो सी टू भी लो बस ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एटम होंगे वो क्या होंगे क्या होंगे कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे आठ या उससे ज्यादा ही होंगे ठीक तो वन टू और सिक्स सिक्स और टू एट 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 क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन कार्बन एटम हो गया राइट right, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ही है राइट right? तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ और एट कर लेता हूँ मैं है ना ताकि आपको क्या हो कंफ्यूजन ना हो नहीं तो सोचेंगे कि सर तो एट एटम बोले हैं और खुद सेवन एटम से हमको पढ़ा रहे हैं है ना राइट अब कितना हो गया ऑक्सीजन को छोड़ के ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो दो हमें और एड करना पड़ेगा तो उसे भी कर लेते हैं ये सेवन हो गया राइट और ये हो गया एट तो इस तरह से ये क्या करता है हैंडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है राइट इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया ओके okay, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन एटम को छोड़ के अगर यहाँ पर सी रहेगा तो सी को छोड़ के आपके पास क्या होना चाहिए एट एटम जो है वो प्रेजेंट होता है तो देखिए इस तरह से ये क्या करता है हैंडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है इसीलिए हम लोग क्या बोल बोलते हैं इसको अंसा कंपाउंड बोलते हैं ओके अब इसमें आर एस नॉमनक्लेचर के लिए पॉइंट क्या है उसको समझते हैं राइट आंसर मीन्स होता है हैंडल लाइक स्ट्रक्चर ओके ओके okay. अब क्या करना है हमें इसका आर एस नोमचर करना है ओके okay. अभी देखिए यहां पर सभी पोजिशन पे क्या है हाइड्रोजन अटैच है ना हाइड्रोजन के अलावा जब मैं दूसरा ग्रुप अटैच करूंगा तभी हम लोग आर एस नोमचर करेंगे सिर्फ अगर हाइड्रोजन बस रहेगा तब हमको आर एस नोमचर नहीं करना है कोई ना कोई सब होना चाहिए अब वो सब कोई भी हो सकता है राइट आर एस इन कंपाउंड राइट अब कौन कौन से पॉइंट जो है उसको समझते हैं पॉइंट को आपको तो पायलट एटम, एटम, एटम वो होगा जहां से जहां से जैसे यह क्या है हमारा रिंग है तो इसके सब्सूट में इसमें कोई भी अगर सब्सूटेंट प्रेजेंट है तो उसके नियरेस्ट में जो भी एटम होगा वो क्या होगा हमारा पायलट एटम होगा ओके अब जैसे देखिये यहां पर मैं क्या कर देता हूँ सी डबल ओ एच अटैच कर देता हूँ सी डबल ओ एच राइट यहाँ पास कोई हमारा सब ट्रुटू आ गया है यहाँ पास क्या है अभी किसी भी तरह का कोई सब ट्रिटूवेंट नहीं है लेकिन अब देखिए यहां पर क्या गया? आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड सब आ गया ओके तो इसके नजदीक में कौन सा है देखिए फर्स्ट अगर हम लोग नंबरिंग करें वन टू थ्री फोर राइट यहां पर जा रहा है फोर लेकिन अगर इधर काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या आ रहा है फाइव आ रहा है One, two, one, two, three, four, five. ये तो कॉमन है ये रहेगा इसको हमें पहले डेटम नहीं लेना है ये ऑक्सीजन की तरफ हम लोगों ने क्या लिया है ग्रुप अटैच दिया है तो यहां देंगे तो वन टू थ्री फोर राइट तो जो सबसे पास होगा सब फ्रेंट के बेजीनरिंग में जो सब है उसके सबसे पास होगा वही क्या होगा हमारा पायलट एटम तो देखिए ये वाला क्या है फोर पोजीशन पे आ रहा है मतलब ये क्या है इसके नियर है लेकिन ये वाला जो है कहा फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है तो ये क्या इससे फार है तो हमारा पायलट एटम क्या होगा ये वाला क्या होगा हमारा पायलट एटम होगा राइट है क्या होगा हमारा पायलट एटम होगा तो पायलट एटम आइटम असाइन के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको फर्स्ट आपको क्या करना है असाइन द पायलट एटम ओके okay. अब पायलट एटम कैसे असाइन करेंगे उसके लिए क्या करना है आपको सेकेंड पॉइंट राइट दोस एटम विल बी द पायलट एटम From substituent is nearest इज the benzene ring. ओके okay. जो भी सब benzene ring के नियरेस्ट होगा उसी के उसी को हम लोग क्या करेंगे ट एटम उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है पायलट एटम असाइन करना है ओके अब ये सब क्या है ये वाला जो फोर्थ नंबर ये वाला कार्बन क्या है इस के क्या है नियरेस्ट है राइट जो क्या उसके नजदीक में होगा वो क्या होगा हमारा पायलट एटम होगा अब स्पेलिंग में भी आप लोग बोलते हो नहीं ना पायलट लिख लो को हटा दो सालों स्पेलिंग ही गलत लिख रहा है <coughs> okay, इसको स्पेलिंग इस से वैसे कुछ हमको लेना देना नहीं है अब उसके बाद हमें क्या करना है ये तो हम लोगों ने पायलट कर लिया सब टू टू एंड चल गया अब थर्ड काम हमें करना है आर एस राइट थर्ड हमें क्या करना है मूवमेंट देखना है इफ मूवमेंट इज क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो आर होगा एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा एस होगा अब बिलो नहीं देखना है आपको इसमें ओके अबाव बिलो आपको नहीं देखना है ठीक आपको सिर्फ मूवमेंट देखना है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ओके अब देखिए जैसे यहां पर हम लोगों ने पैलेटे टर्म तो असाइन कर लिया तो जहां ज, जो पायलट एटम होगा उसी के बाजू से ही क्या करना है हमें उसके बगल वाले एटम से हमें क्या करना है नंबरिंग करना है देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड <laughs> इस तरह से हमको फर्स्ट सेकेंड तीन तरह तक की नंबरिंग करना है उसके बाद मूवमेंट देखना है मूवमेंट किधर जा रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड किधर जा रहा है मूवमेंट किधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज राइट मूवमेंट क्या है एंटी क्लॉक है ना अब में क्या होगा सिंपल से हमें एस कर देना है ओके अब आपको इधर से नंबरिंग नहीं करना है इसीलिए मैंने आपको अभी बताया कि हमें सबसे पहले पायलट एटम असाइन करना है जिधर पायलट एटम प्रेजेंट होगा नीरेस्ट बेंजीन के नीरस्ट में उधर उद, से ही हमें क्या करना है जो है नंबरिंग करना है ओके अब चले कुछ और से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं राइट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा हालांकि अभी तक एग्ज़ाम में ये एंसर कंपाउंड का आर एस नॉमन नहीं पूछा गया है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पूछ लें है ना तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना होगा एड कर देता हूं ठीक है उसके उससे आपको अंडरस्टूड खुद जो है एड कार्बन आइटम प्रेजेंट है अब देखिए एक बार मैंने सब यहां लेकर रख लिया चारों पोजिशन पे हम लोग रख के आर एस कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एक बार यहाँ पास भी रख लीजिए कोई भी सब्सटूडेंट रख सकते हो ना ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही रखो कोई भी सब रख लेको बस वो हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा सब्सूड होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन ही हो जाएगा तो फिर आपको असाइन करते नहीं बनेगा ओके okay. यहाँ हो गया यहां, हो गया। यहां कर लेते हैं सी स्त्री ग्रुप सो इस तरह से ये क्या हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया आंसर कंपाउंड का अब इसमें हमें आर एस करना है तो सबसे तो पहले क्या करो इसको खुद से ट्राई करो कैसे करना है सबसे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा पायलट एटम असाइन करना पड़ेगा तो देखिए ये क्या है हमारा सब तो है ओके okay? तो यहां से देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट लेकिन अब यहां से जाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये क्या है फोर्थ पे आ रहा है और ये क्या है हमारा थर्ड पे आ रहा है तो नियस्ट कौन है जो नियरस्ट है वो के जो नियरस्ट होगा वही क्या होगा पायलट एटम तो ये क्या हो गया हमारा पायलेट एटम हो गया ओके राइट इसमें भी सेम उसी तरह से करना है यहां पर क्या है सब टूटेंट यहाँ पर नंबर ही करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड यह फोर्थ पे आ रहा है तो फोर्थ वाला नहीं होगा हमारा क्या होगा थर्ड वाला क्या होगा पायलट एटम अब ये ऑक्सीजन नहीं होगा ना यहाँ जो यहाँ पर जो सी एस टू ग्रुप होगा पायलट एटम होगा है ना यहाँ पास सी एस टू ग्रुप होगा वो पायलट एटम पायलटन सी एस टू नहीं होगा तो पायलट एटम सबसे पहले आपको असाइन करना है यहाँ पर क्या होगा ये वाला हमारा पायलट एटम होगा राइट एक बार पायलट एटम आपने असाइन कर लिया उसके बाद कुछ नहीं है सिंबल्स और नंबरिंग करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिधर ग्रुप है उसी साइड जाना है ना अब नीचे साइड मत आ जाना फर्स्ट सेकेंड थर्ड करते नीचे साइड क्या करने होगा कुछ मिलेगा क्या वहां नहीं मिलेगा कुछ बाबा जी का टुल्लू मिलेगा यहाँ पास क्या मिलेगा हमें सब टू टू एंड मिलेगा तो इधर से हमें क्या करना है आर एस नाम करना है अब क्या करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखना है मूवमेंट क्या है क्लॉक वाइस है कि एंटी क्लॉक वाइस है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मूवमेंट क्या हो रहा है बताइए फर्स्ट सेकेंड थर्ड मूवमेंट क्या हो रहा है हमारा क्लॉक वाइज हो रहा है तो क्लॉक वाइज में क्या होगा

Second, third. इसका मूवमेंट क्या हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड मूवमेंट क्या हो रहा है इसका? तो तो में में क्या क्या हो हो जाएगा? Configuration हो जाएगा. Okay? So, इस तरह से करना करना है? आपको करना है. आपको right? राइट अब चलिए हम लोग समझते हैं आर एस नॉम स्टडी करते हैं बाईफ में तो हम लोगों ने अभी स्टडी कर लिया

राइट सो जैसे अभी हम लोगों ने ये में अंसा में जिस तरह से आर एस पढ़ाना उसी तरह से क्या होगा पैरासाइक्लोफिन में भी उसी तरह से आर एस करना है बस इसमें क्या एक बेंजी रिंग है ना तो उसमें क्या हो जाएगा दो बेंजी रिंग प्रेजेंट होगा चलिए स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं पैरासाइक्लोफिन का राइट सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा इसमें क्या होगा दो रिंग प्रेजेंट होगा राइट फर्स्ट वाला हो गया यहाँ पर सी एच टू ग्रुप होगा यहाँ सी एच टू ग्रुप होगा उसके बाद यहाँ पर सी एच टू ग्रुप होगा और यहाँ सी टू ग्रुप होगा और इसके जस्ट पैरलर जो ये रिंग है इसी पैरलर ही क्या होगा एक और बेंजीन ग्रुप होगा डाउन साइड में राइट right, अब मैं सॉलिड लाइन से शो कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है अबोध अ प्लेन में इस तरीके से है राइट right? अगर ये रिंग है ये मेरा हैंड जो है रिंग है तो इस तरह से नहीं है ये क्या है इस तरह से है राइट right? दोनों एक दूसरे के पैरल है ये एक बे रिंग और ये दूसरा रिंग इस तरह से दोनों बे रिंग क्या है एक दूसरे के पैरल है परपेंडिकुलर नहीं है ना अगर ऐसा करूंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों एक दूसरे के क्या है पैरल है और यहाँ पास ये इस, इस पोजिशन पे क्या है हमारा सी और सी ग्रुप है यही क्या है हमारा पैरासाइक्लो पेन है ओके ये क्या है? हमारा अपर रिंग है इसको अपर रिंग बोल देते हैं में इसलिए अपर रिंग है ये क्या है डाउन साइड में इसलिए क्या है लोअर रिंग इसको बोलते हैं ओके अब देखिए इसमें यहां पर क्या है चारों पोजीशन पे ये हाइड्रोजन यहां पास चारों पोजीशन में क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट है राइट right, यहाँ पास हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन ओके तो ये क्या हो गया हमारा पैरासाइक्लोफिन हो गया ये अपर रिंग ये लोअर रिंग अब देखिए चारों पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है तो अभी हम लोग आर एस एस में असाइन नहीं कर सकते ये देखिए इसका मैं आप लोग को मॉडल दिखा रहा हूँ ये देखिए इस तरीके से राइट ये दोनों क्या है वो हाइड्रोजन एटम को नहीं दिखा रहा हूँ वो क्या है आपको खुद का अंडरस्टूड है तो देखिए ये दोनों जो ये दोनों कार्बन एटम फ्रंट में है इसीलिए मैंने इसको क्या किया है सॉलिड लेंस से शो किया है ये दोनों कार्बन एटम कहाँ है आप लोग अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये क्या है इसके पीछे है तो इसीलिए ये ये क्या है मतलब डॉटेड लाइन से शो नहीं हुआ है लेकिन ये आपको खुद का अंडर्स टूड है कि क्या है बेक साइड में है ओके अब अगर इसमें कहीं पर हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम लोग कोई क्या करे सब टूवेंट एट कर दें तब उसमें हमें आर एस नॉमल करना है सिंपल अगर इस तरीके से कंपाउंड दिया है तो इसमें आर एस नॉमलक्चर नहीं कर सकते अगर कोई भी एक पोजिशन में हाइड्रोजन के किसी भी एक पोजीशन पे अगर कोई सब टू आ गया उसके अकॉर्डिंग हमें आर एस नॉमलक्चर करना है राइट right, सो so मैं एक और स्ट्रक्चर बना लेता हूं ये हो गया ओके okay. यहाँ पर जैसे सी डबल हो अच्छा आ गया राइट right. और यहाँ पर सी डबल हो अच्छा इस तरीके से ओके अब सभी पोजिशन में तो हाइड्रोजन नहीं है सबस्टूडेंट आ गया ना राइट कोई भी एक पोजिशन अपर रिंग में हो चाहे लोअर रिंग में हो तो सबस्टूडेंट आ गया ओके अब जो सबस्टूडेंट के नियरेस्ट होगा वही क्या होगा पायलट एटम होगा सेम इसके पैसे इसके पहले जैसे हम लोगों ने कंपाउंड में पायलट एटम असाइन किया ना उसी तरह से क्या करना है इसमें भी आपको पायलट एटम असाइन करना पड़ेगा उसके बाद फिर आल एक्स्ट्रामचर करना है सेम उसी तरीका से राइट right? बस इसमें आपको क्या करना यह ध्यान रखना है जो अपर रिंग होगा और लोअर रिंग होगा उसके लिए आर एस का कॉन्सेप्ट जो है होगा दूसरा हो जाएगा कैसे दूसरा हो जाएगा उसके मैं आपको लोगों को बताता हूं ओके आर एस नॉमन क्लेचर इट्स सेमस कंपाउंड राइट अंसा कंपाउंड में जैसे हम लोगों ने आर क्या करना है हमको आरएस नॉमिन करना है लेकिन अब हमें यहाँ पास क्या करना पड़ेगा हमारे पास देखिए अंसा कम्पाउंड में क्या था सिर्फ एक ही बेंजीनिंग था लेकिन यहाँ पास क्या हो गया हमारे पास दो भी हो गया एक अपर में हो गया एक लोअर में हो गया तो उसके लिए जो है वो नोट करके आप लोग रख लीजिए इसके आर एस नॉमन क्लेचर और अपर रिंग अपर रिंग में कैसे करेंगे ओके, okay? जैसे हम लोगों ने एंसर कंपाउंड में वन टू थ्री करके काउंट किया सम पायलेटेड किया वन टू थ्री काउंट किया क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज देखना है तो वैसे ही इसमें भी करना है बस मूवमेंट हमको देखना है ओके okay? अगर अपर रिंग है अपर रिंग के लिए है ठीक अगर मूवमेंट क्या है क्लॉकवाइस है इफ मूवमेंट इज क्लॉक तो क्या होगा वो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा और एंटी क्लॉक होगा तो क्या होगा आर कॉन्फ़िगरेशन, ओके अगर लोअर रिंग की बात करें आर एस नॉमन क्लेशर इन और लोअर रिंग ओके okay, अपर रिंग ये वाला है लोअर रिंग ये वाला है तो दोनों के लिए अलग अलग है इफ मूवमेंट ओके okay, जो मूवमेंट होगा क्लॉक वाइस और एंटी क्लॉक वाइस का इफ मूवमेंट इज क्लॉक वाइज क्लॉक वाइस होगा तो उसके लिए आर होगा और एंटी क्लॉक वाइस होगा तो तो उसके लिए क्या होगा एस कॉन्फ़िगरेशन होगा ओके okay. <coughs> तो ये आपको ध्यान में रखना है सिर्फ ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है अपर रिंग में होगा तो उसमें अपोजिट कर देना है राइट लोअर रिंग में तो सेम है क्लॉक के लिए आर एंटी क्लॉक वाइज के लिए एस अगर अपर रिंग बात करें तो अपर रिंग रिंग अपर में आपको क्या कर देना है जस्ट अपोजिट कर देना है क्लॉक वाइज में एस कर देना एंटी क्लॉक वाइज में आर कर देना है राइट अब जैसे देखिए इसमें सबसे पहले हम, लो, हम लोग हम लोगों को पायलेट एटम असाइन करना है तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड नियरस्ट कौन सा ये वाला तो ये क्या हो गया हमारा पायलेट एटम हो गया राइट right, जैसा अनसगम पॉइंट में किया सेम उसी तरीके से उसके बाद नंबरिंग करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट मूवमेंट देखो मूवमेंट क्या है हमारा क्लॉक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मूवमेंट क्या है क्लॉक है ना मूवमेंट तो मूवमेंट अगर क्लॉक है तो उसके लिए क्या होगा ये क्या है हमारा लोअर रिंग है राइट right, ये क्या है लोअर रिंग <coughs> अब लोअर रिंग में क्या है अगर क्लॉक है तो उसके लिए क्या हो जाएगा ये Configuration हो जाएगा, राइट right? अब अपर रिंग की बात करें तो ये हमारा देखिए क्या है इसका एंटी क्लॉक वाइस तो अपर रिंग के लिए मूवमेंट देखिए अगर एंटी क्लॉक होता है तो उसके लिए क्या होगा वो आर कॉन्फिग्रेशन होगा राइट right? इसी तरह से क्या करना है आपको करना है चाहे अगर सिर्फ एक ही रिंग में दिया है तो उसका भी कर सकते हो लोअर रिंग में इसमें दिया है तो उसमें कर लो आप लोग आर एस या फिर दोनों में किया है तो दोनों में कर सकते हो राइट ये वाला आइटम यहां भी आ सकता है ओके अगर जैसे यहाँ पास कर दे कोई सब जैसे ब्रोमिन यहाँ पास एड कर देते हैं है ना कोई भी सब एड कर सकते हो ऐसा नहीं है कि ब्रोमिन और कार्बोक्सिलिक एसिड एड करो यहाँ पास अल्कोहल कर देता हूं ओके अब यहाँ पास से नंबरिंग करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड मोवमेंट क्या हो रहा है देखिए क्या है एंटी क्लॉक अपर रिंग में एंटी क्लॉक में क्या होगा होगा क्या हो हमारा R हो जाएगा जाएगा हमारा सॉरी एल डी अगर मैं कर, CHO कर, दो, कर दो तो, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये मूवमेंट क्या होगा ये मूवमेंट क्या होगा एंटीक्लॉक तो लोअर लोअर रिंग में एंटी क्लॉक में क्या होता है हमारा एज कॉन्फिग्रेशन होता है राइट तो इस तरह से सिंपल सा आपको क्या करना है आर एस नॉमल क्लिकर करना है पैरासाइक्लो पिन में ओके अब एक हमारा और बच गया आर एस नॉमल क्लिकर इन ट्रांसाइक्लो ऑक्टीन में साइक्लो ऑक्टीन है ट्रांसाइक्लो ऑक्टीन है ना उसमें ही आर एस करेंगे सिस में नहीं करेंगे है ना सिस में तो ई जेड चलता है ट्रांस में हम लोग करेंगे आर एस नॉमलोक्चर तो चलिए चल उसको समझते हैं ट्रांसाइक्लो ऑक्टीन में किस तरह से आर एस नॉमल क्लिकर करेंगे आई होप आपने समझ लिया होगा सिर्फ अपर रिंग और लोअर रिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको ध्यान में रखना है ओके, राइट सो आप क्या करना आपने ये सभी जितने भी कंपाउंड है उतना का क्या करना है आप गूगल में सर्च करना इसका थ्री डी स्ट्रक्चर तो थ्री डी स्ट्रक्चर को भी क्या करना थोड़ा सा देख लेना तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सा एटम का अरेंजमेंट क्या क्या है थ्री डी स्ट्रक्चर में राइट right. बाकी मैं तो स्ट्रक्चर आप लोग को दिखा ही रहा है ना अब चलिए हम लोग समझते हैं आर एस इन ट्रांस साइक्लो ओके सीस में नहीं कर सकते ना ट्रांस में करेंगे और ट्रांस में, में करेंगे तो सेम अभी जैसे किया ना पायलट एडम असाइन करके सेम उसी तरह से करना है ओके तो साइक्लो ऑक्टिन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं अभी मैं प्लेनर स्ट्रक्चर बता बना रहा हूँ ना उसके बाद आपको थ्री स्ट्रक्चर बताऊंगा इस तरीके से होगा ओके राइट ऑक्टीन हो रहा है ना ऑक्टीन मतलब क्या होगा ऑक्टेन मतलब एट कार्बन होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो एट टोटल एट कार्बन हो गया ओके अब इसी में ट्रांस ने बनाए तो यहाँ पास हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को मुझे इधर दिखाना पड़ेगा ना तभी तो ट्रांस बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट कार्बन हो गए ओके okay? इस तरह से नहीं होता है ना स्ट्रक्चर ट्रांस का मैं अभी ये प्लेनर में मैं आप लोग को बता रहा हूँ अभी मैं थ्री डी बताऊंगा तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा राइट right? थ्री में यह कैसा होगा देखिए इस तरीके से होगा ये हो गया यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन दो कार्बन तो हो गया अब हमें क्या करना है तीन कार्बन इसमें सिक्स कार्बन और इसमें अटैच करना है तो वो कैसे किस तरीके से होगा उसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ एट सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके ओके मेरे मिस्टेक हो रहा है ना ये ऐसे रहेगा वन टू थ्री वन टू थ्री हाँ अब सही है फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके अब क्या हो गया हमारा एट तरह का क्या हो गया कार्बन आइटम हो गया राइट अब इसको मैं क्या करूंगा सॉलिड से शो करूंगा जिससे आपको यह आइडिया लगेगा ये क्या ये कहाँ है ये जो बॉन्ड है वो कहाँ है ऑफ साइड में right, है राइट ये बॉन्ड कहाँ है ऑफ साइड में है okay. ओके ये हमारा क्या है सी साइक्लो है सी साइक्लो और यह क्या है हमारा ट्रांस साइक्लो ओके राइट तो चलिए मैं आपको इसको थ्री स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ओके सो so, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और इसमें क्या है टोटल एट कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट है वो खुद का आप लोग अंडरस्टूड है राइट ये देखिए इस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 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 कार्बन एटम है और उसके साथ क्या है ये दोनों जो हो गया. अगर है क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को हाइड्रोजन के जगह पे रखना पड़ेगा तभी तो मेरा सी, ट्रांस बनेगा ना अभी क्या था, सीस था. तब मेरा क्या करना पड़ेगा इस बॉन्ड को ईस्ट पोजिशन पे रखना पड़ेगा अब देखिए ये भी मेरा क्या बन रहा है ना जैसे हम लोगों ने आंसर कंपाउंड में पढ़ा पैरासाफिन में पड़ा उसी तरह से यह भी क्या बन जा रहा है मेरा हैंडल लेग स्ट्रक्चर तो देखिए ये सभी एटम क्या है अप साइड में है ओके और यह क्या है हमारा sp2 टू है ना तो sp2 टू के साथ जो भी बॉन्ड आएगा वो क्या होगा प्लेन में होगा राइट जो भी बॉन्ड आएगा वो क्या होगा हमारा प्लेन में होगा तो इस तरह से क्या हो गया ये हमारा ट्रांसाइक्लोक्ट्रीन हो गया अब इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं आर एस कर सकते हैं उसमें भी क्या करना पड़ेगा सबसे पहले पायलेट एटम असाइन करना पड़ेगा पायलेट एटम असाइन करने के बाद क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज देखना है ओके चलिए तो जैसे हम लोग इसी में अगर समझे आर एस करने के लिए ओके राइट सो तो जो पायलट आइटम क्या होगा जो इन प्लेन आइटम होगा वो क्या होगा हमारा पायलट आइटम होगा ये क्या है एसपी टू हाइब्रेडाइजेशन है ओके okay, ये क्या है हमारा एसपी टू हाइब्रेडाइजेशन एसपी राइट ये हमारा अगर एसपी टू हाइब्रेडाइजेशन है तो ये ये जो बॉन्ड है ये, है, ये कार्बन वाला बॉन्ड और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ये, ये दोनों बॉन्ड क्या है इन प्लेन है मतलब प्लेन में है ओके okay? जो प्लेन में छोड़ के जो भी इस प्लेन को छोड़कर जो भी एटम होगा वो क्या होगा हमारा पायलट एटम होगा जैसे ये, ये कार्बन के साथ ये वाला क्या होगा ये सी एस टू ग्रुपया क्या होगा हमारा पायलट एटम हो जाएगा राइट इसमें ये प्लेन में है तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा पायलट एटम हो जाएगा ओके okay, इस तरह से क्या करना है आपको पायलट एटम असाइन करना है अब बात करते हैं आरएस की आरएस किस तरह से करेंगे तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं ओके okay, मैं इसको सॉलिड शो कर रहा हूं इसका मतलब समझ लेना कि ये क्या है ऑफ साइड में है okay. ओके तो पहले डेटम असाइन करने के बाद क्या करना है आपको सिंपल से जैसे इसके पहले वन टू थ्री नंबरिंग किया ना उसी तरह से क्या करना है आपको वन टू थ्री नंबरिंग कर देना है ओके okay. तो नोट करके लिख लीजिए मूवमेंट देखना है ओके okay. मूवमेंट बस को देखना है आपको क्लॉक वाइज से कि एंटी क्लॉक वाइज इफ मूवमेंट इज क्लॉक वाइज तो क्लॉक वाइज में क्या होगा आर होगा और एंटी क्लॉक वाइज में सो okay? so, अब पहला डेटा हम लोगों ने असाइन कर लिया आप यहां से भी असाइन कर सकते हो यहाँ पे इससे भी असाइन कर सकते हो है ना क्योंकि दोनों साइड में क्या है हमारा है दोनों साइड में क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है तो अगर मैं यहां से असाइन करूं तो देखिए ये क्या होगा ये क्या होगा हमारा पायलट एटम होगा क्योंकि ये क्या है आउट ऑफ प्लेन है ना ये वाला आइटम तो इन प्लेन है ओके तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अब मूवमेंट देखो मूवमेंट क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज़ राइट एंटी क्लॉक वाइज ओके सो एंटी क्लॉक वाइज में क्या होगा हमारा एच कॉन्फिग्रेशन होगा ओके okay? अब ऊपर का भी करके देख लो अगर ऊपर वाला का हम लोग करें तो ऊपर साइड से ये क्या हो गया हमारा पायलट एटम तो वन टू और ये थ्री तो इसका भी मूवमेंट क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज भी हो रहा है

इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या होगा हमारा आर पान होगा राइट सो मिरर इमेज बनाना है यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन इसको सॉलिड लाइन से शो करने का मतलब है कि ये क्या है ऑफ साइड में ओके अब ये क्या हो गया इसका मिरर इमेज अब इसमें भी नंबर ही करेंगे तो देखिए ये क्या है दोनों एस आया है ना <coughs> तो ये <coughs> ये दोनों क्या होगा आर <coughs> आर आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसका मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज हो रहा है ओके okay, तो क्लॉक में क्या होगा आर होगा इसका मूवमेंट देखिए इस वाले का ये हमारा ये हमारा पायलट एकदम हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका मूवमेंट देखिए इसका मूवमेंट भी क्या हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्लॉक में क्या होगा आर होगा ओके okay. तो so, इस तरह से सिंबल सा क्या था ट्रांस साइक्लोऑक्टिन का rs नामनक्लेचर था ओके okay. तो so, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बाकी अगर कुछ और कंपाउंड ड्रग है rs नामनक्लेचर करने के लिए तो उसको हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे ओके अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे थ्रियोस और थ्रियोस के बारे में ईपी मर एंड एनोमर के बारे में ओके तब तक के लिए गुड बाय कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ